नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में यह हमारा पाठ 2 का पहला भाग है। जो स्वास्थ्य शिक्षा ये चल रहा था, तो ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कल पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में आपको जो इसके अभ्यास कार्य में जो प्रश्न उत्तर है उनको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मनुष्य के शरीर में होती है 206 हड्डियाँ, तो उसमें आप टिक कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मानव के सिर में कुल अस्थियों की संख्या है, तो ये है आपके इस ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें 28 जो है राइट आंसर है। फिर है तीसरा, रीढ़ की अस्थियों की संख्या होती है, तो रीढ़ में कितनी अस्थियाँ होती हैं ऑप्शन दिए हैं हमको, तो इसमें 33 जो हैं हड्डियाँ पाई जाती हैं रीढ़ में। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, छोटी अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो छोटी अस्थियाँ जो होंगी हाथ पैर की उंगलियों में पाई जाएंगी, ठीक है। फिर है सत्य असत्य छांटना है हमको। पहला है, कूल्हे की हड्डी को सिरोड़ी मेखला भी कहते हैं, ये सही हो गया। पसलियों की हड्डियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, ये भी सही है। मांसपेशियों के कारण हम जीवन का आनंद उठाने में सक्षम नहीं होते, तो ये गलत है। अस्थियाँ सिर को गति प्रदान करती हैं, ये सत्य है। मानव शरीर में लगभग 600 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, ये भी सत्य है। फिर है अति लघुत्तरी क्वेश्चन, सिरोड़ी मेखला क्या है? तो ये मैंने कॉपी में भी नोट कर रखे, हम इसको वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए सिरोड़ी मेखला क्या है, तो पेट से नीचे व जांघों के ऊपर के बीच की हड्डी, कूल्हे की हड्डी जिसको हम कहते हैं, को सिरोड़ी मेखला कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, चपटी अस्थियाँ किसे कहते हैं? उत्तर है, जो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जैसे कपाल, स्कंध और चेहरे की हड्डियाँ। फिर है चल संधि क्या है, तो जिस जोड़ के स्थान पर हलचल होती है उसे चल संधि कहते हैं। फिर है, अनियमित अस्थियों में किस प्रकार किस श्रेणी की अस्थि आती है? तो अनियमित अस्थियों में जो है मृदुदंड की अस्थियाँ आती हैं, ठीक। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। तो शरीर में वात, कफ व पित्त की समान अवस्था तथा संतुलन ही स्वास्थ्य कहलाता है, तो ये आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है। फिर है लघुत्तरी प्रश्न, अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं? ठीक, अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं उनको बताने हैं इसमें। जैसे शरीर, पहला है शरीर का भार, आयु व लंबाई के अनुपात होना चाहिए। शरीर का पाचन तंत्र ठीक प्रकार से कार्य करना चाहिए। दांत स्वस्थ, सुंदर और साफ होने चाहिए। आँखों में स्वाभाविक चमक होनी चाहिए, ठीक है। कुछ अच्छे लक्षण स्वास्थ्य के लक्षण हैं। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न में भी अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर का रोगमुक्त होने के साथ साथ शरीर का शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होना है, ठीक है। फिर अस्थि संस्थान क्या है? विभिन्न अस्थियाँ मिलकर मानव की शारीरिक संरचना का निर्माण करती हैं, ठीक है, और शरीर को आकार प्रदान करती हैं। ये सभी मिलकर अस्थि संस्थान का जो है निर्माण करती हैं। फिर चौथा क्वेश्चन, अस्थि भंग का उपचार आप किस प्रकार करेंगे? तो टूटे हुए हिस्से को हिलने नहीं देना चाहिए व पीड़ित व्यक्ति को आराम देना चाहिए। टूटे अंग को तिकोनी पट्टी, गर्म पट्टी से बांध देना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के बाद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, ऐच्छिक मांसपेशियों को वर्णित कीजिए। तो शरीर में लगभग छोटी मोटी 500 ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ये पेशियां संधि के द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इस कारण इन्हें हड्डियों से जुड़ने वाली मांसपेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां थकान महसूस करती हैं, थकान से बचने के लिए इन्हें आराम की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो ये पाँचवा क्वेश्चन था लघुत्तरी में। फिर आया छठा क्वेश्चन, अंगीय दृष्टि से अस्थियाँ कितने प्रकार की होती हैं, किसी एक के बारे में लिखिए। तो अंगीय दृष्टि से अस्थियाँ 4 प्रकार की होती हैं, किसी एक का प्रकार यानी किसी एक प्रकार के बारे में लिख रहे हैं। जैसे कूल्हे व पैर की अस्थियों के बारे में हम बता देते हैं यहाँ पर। पैर में 2 हड्डियाँ, टखने में 7-7 हड्डियाँ, पैर के तलुओं में 5-5 हड्डियाँ और उंगलियों में 14-14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये अलग क्वेश्चन था। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न, स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए अस्थि संस्थान के प्रकार व कार्य लिखे। तो परिभाषा लिख लेते हैं। पहले, स्वास्थ्य किसी भी प्राणी की वह स्थिति है जो उसकी पूरी शक्तियों को काम करने के पैमाने को निश्चित करती है। तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। अस्थि संस्थान के प्रकार हम देखते हैं इसमें। अस्थि संस्थान में शरीर की सब अस्थियाँ आती हैं। मानव शरीर में 206 अस्थियाँ होती हैं। सिर में 28, धड़ में 58, दोनों हाथों में 60 और दोनों पैरों में 60 अस्थियाँ होती हैं। उसे कार्य देख लेते हैं। अस्थि कंकाल शरीर को आकार, स्वरूप, स्थिरता प्रदान करता है। अस्थियां शरीर को लचीला बनाती है। अस्थियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। अस्थियां शरीर की कोमल अंगों की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आया,
अस्थियाँ कितने प्रकार की होती हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो अस्थियों के प्रकार दो प्रकार होते हैं, आकार की दृष्टि से फिर अंगीय दृष्टि से। तो आकार की दृष्टि से जो अस्थियाँ होती हैं वो होती हैं चपटी अस्थियाँ, लंबी अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ, अनियमित अस्थियाँ और गोल अस्थियाँ। तो चपटी अस्थियों में कपाल, स्कंध और चेहरे की अस्थियाँ आती हैं, लंबी अस्थियों में पैर और हाथों की अस्थियाँ आती हैं, छोटी अस्थियों में हाथ पैर की उंगलियों की अस्थियाँ आती हैं, अनियमित अस्थियों में मेरुदंड की अस्थियाँ आती हैं और गोल अस्थियों में कलाई और टखनों की अस्थियाँ आती हैं। अंगीय दृष्टि से जो है पहला प्रकार है मस्तिष्क कवच और चेहरे की हड्डियाँ। मस्तिष्क कवच में 8 हड्डियाँ और चेहरे व जबड़े में एक एक हड्डी। फिर दूसरा है वक्ष व रीढ़ की हड्डियाँ, रीढ़ में 33 हड्डियाँ और वक्ष की पसली में 12 हड्डियाँ होती हैं। फिर तीसरा है कंधे व हाथ की अस्थियाँ, कंधे से कोहनी तक 1 हड्डी, कोहनी में 2 हड्डियाँ, कलाई में 8 और हथेली में 5 हड्डियाँ, प्रत्येक उंगली में 3 3 हड्डियाँ और अंगूठे में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक, और चौथी होती हैं कूल्हे व पैर की अस्थियाँ। पैर में 2 हड्डियाँ, टखने में 7 7 हड्डियाँ, पैर के तलुओं में 5 5 हड्डियाँ और उंगलियों में 14 14 हड्डियाँ होती हैं। तो ये अंगीय दृष्टि से जो हैं भी चार प्रकार के होते हैं, अस्थियाँ 4 प्रकार की होती हैं। इसके बाद हमारे पर अगला क्वेश्चन आया, अस्थिभंग के उपचार व लक्षण संदर्भ में लिखिए। तो अस्थिभंग के पहले उपचार बताने, तो उपचार मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताया था। ये देखिए अस्थि भंग के उपचार, तो अब यहाँ से दोबारा इसको लिख लेंगे। अस्थि भंग के उपचार को टूटे हुए हिस्से को हिलने नहीं देना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को आराम देना चाहिए। टूटे अंग को तिकोनी पट्टी, गर्म पट्टी से बांध देना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के बाद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अस्थि भंग के उपचार है, हम इसके लक्षण देख लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा प्रश्न है। तो अस्थि भंग के लक्षण, चोट से प्रभावित अंग में सूजन आ जाती है, चोट वाले स्थान पर बहुत तेज दर्द होता है, उस स्थान में ऐंठन आ जाती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, इसके कार्य व महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, सबसे पहले आती हैं ऐच्छिक मांसपेशियाँ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न में भी बताया था मैंने आपको, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ से इसको। ऐच्छिक मांसपेशियाँ, जो पहला प्रकार होता है, शरीर में लगभग छोटी मोटी 500 ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। ये पेशियाँ संधि के द्वारा हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, इस कारण इन्हें हड्डियों से जुड़ने वाली मांसपेशियाँ भी कहते हैं। ये पेशियाँ थकान महसूस करती हैं, थकान से बचने के लिए इन्हें आराम की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, फिर दूसरा प्रकार होता है अनैच्छिक या अरेखित मांसपेशियां। ये वे मांसपेशियां जो मानव की इच्छा अनुसार रोकी या चलाई न जा सके, अर्थात जिन मांसपेशियों के कार्यों पर शरीर का नियंत्रण नहीं होता, उन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। ये मांसपेशियां बिना थके जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। फिर तीसरी आती है हृदय पेशियाँ, ये हृदय में पाई जाती हैं। ये पेशी तंतु छोटे मोटे बेलनाकार शाखीय होते हैं, ये जीवन पर्यंत बिना रुके बिना थके एक लय से सिकुड़ते फैलते रहते हैं। फिर है मांसपेशियों के कार्य और महत्व, तो पॉइंट वाइज लिखे मैंने। ऐच्छिक मांसपेशी की सहायता से मनुष्य इच्छा अनुसार कार्य करता है, जैसे बोलना, हंसना, खाना, खेलना आदि। अनैच्छिक मांसपेशियों के द्वारा जीवन हेतु आवश्यक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि संपन्न होती हैं। मांसपेशियों के कारण हृदय शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्र करके उसका वितरण करता है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनके मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। ठीक है, इनको आप अपनी फेयर कॉपी पे अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पुनः अभ्यास में इनको दोबारा से नोट करके याद कीजिएगा। ठीक है।